Hi everyone, कैसे हो आप सब? Welcome back to the channel. I hope you all are doing well. सुबह सुबह ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है. कढ़ाई में तेल गरम हो गई है. राई, उड़द दाल, चना दाल, ग्रेटेड अदरक और करी लीव्स, ग्रीन चिली और बाकी सारे वेजिटेबल्स जो मैंने यहाँ कट करके रखा है, गाजर, शिमला मिर्च और थोड़ी देर इसे भुनेंगे. उसके बाद फ्रोज़न मटर और कॉर्न हमने मिक्स कर दिया है. इसी बहाने बच्चे बहुत सारे वेजिटेबल्स खा लेंगे. और यहाँ पे नमक और हल्दी मैंने ऐड कर दिया है. थोड़ी देर इसे ढक के पकाएंगे. ये फ्राइड वर्मिसली है तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा इसे फ्राई नहीं कर रही हूँ. तो इसे थोड़ी देर ढकने के बाद बहुत अच्छे से नरम नरम वेजिटेबल जो है पक गई है. अभी वर्मिसली ऐड करेंगे. तो बस यहाँ पे थोड़ी देर इसे भूनेंगे और इसके बाद पानी ऐड कर देंगे. अंदाजे से जितना वर्मिसली है तो उतना तक ही पानी ऐड करना है. ये प्रॉपर क्वांटिटी है. इससे जो है बहुत खिले हुए वर्मिसली बनेगा. एकदम खिले खिले बने हुए हैं, बिल्कुल चिपक नहीं रहा है और इसका फ्लेवर भी बहुत टेस्टी होता है. आज मैं मेरी बेटी का रूम थोड़ा सा डेकोरेट करने जा रही हूँ. ये जो खाली स्पेस है ना, इसमें मैं कुछ डेकोरेट करने वाली हूँ. तो ये पिनिंट्रेस्ट से इंस्पायर्ड बहुत डेको है. तो मेरी बेटी को ये आजकल टीनेजर्स को ये जो है बहुत पसंद आते हैं. तो इसलिए मैंने यही चूज़ किया. पहले मैट्रेस में हमने पूरा सीक्वेंस देख लिया था, फिर उसी हिसाब से हम यहाँ पे लगा भी रहे हैं. बहुत अच्छे से एक लुक आ रही है और रीजनेबल है काफ़ी प्राइस. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. मैं आइकिया से लेके आई थी तो ये यहाँ पे हैंग कर देंगे. ये लीफ भी मैंने आइकिया से ही लेके आई थी तो इसे हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं. और ये कुछ इस तरह दिखता है अभी. दोपहर के लगभग 11:30 हो गए हैं और अब मैं आ गई हूँ किचन में.
और जो भी ड्राई क्रॉकरीज है इसको पहले मिक्स कर देते हैं। तो अभी मैं किचन में दोपहर आहार लेने के बाद आ गई हूँ और दोपहर का खाना प्रिपेयर कर रही हूँ। तो जैसे अभी बच्चों का छुट्टी चल रहा है तो यहाँ पे और एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, एग्ज़ाम के इन बिटवीन छुट्टी है। यहाँ पे जो है आलू उबालने के लिए रख दिया है और इस तरफ पालक बॉयल करने के लिए छोड़ दिया है। और इस तरह मैं बाकी वेजिटेबल्स भी कट कर लूँगी। तो चीज़ें सही से प्रिपेयर कर ले तो खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। पालक बॉयल हो गई है, इसे हम अभी ठंडा पानी से धो लेंगे। इस तरफ टमाटर का पेस्ट भी बना लिया है मैंने और पालक में अदरक और ग्रीन चिली ऐड कर दिया है, इसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है। और साथ साथ मैं जो है काउंटर टॉप भी क्लीन करती रहती हूँ ताकि क्लीन रहे हमेशा। और यहाँ पे एक बोल में मैंने आटा ले लिया है, सूजी ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है और कुछ मसाले हैं, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और इसमें थोड़ा सा हींग अजवाइन भी हमने ऐड कर दिया है और पालक प्यूरी ऐड कर दिया है। तो इससे मैं पूरी बना दूंगी। इसे थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे करीबन 15 मिनट्स के लिए। और इस तरफ कढ़ाई में जीरा और राई डाल दिया है। और अभी ड्राई रेड चिली, करी पत्ता, इसे थोड़ी देर भूनेंगे। उसके बाद जो टोमेटो प्यूरी है जो हमने पीस के रखा था इसे भी ऐड कर देंगे। और इसे थोड़ी देर भूनने के बाद अभी इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और कटी हुई अनियन। तो मैं पहले ऐड नहीं करती हूँ इसे, जो बाद में डालते हैं ना तब अलग फ्लेवर ही होता है, कभी ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद जो है नमक और सारे मसाले, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर देंगे। और ये बहुत ही सिंपल रस्सेदार आलू है जो बहुत ही टेस्टी लगता है। अभी मैश पोटैटो ऐड कर देंगे जो हाथों से ही ऐसे मैश करके डालती हूँ मैं, और ये खाने में पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा हल्का हल्का खट्टा लग रहा है। इसमें धनिया ऐड कर दिया है और हमारा रसेदार आलू तैयार। तो अभी हम पूरियां तल लेंगे। बस यहाँ पे बन गई है हमारा लंच। शाम को हम निकल गए इसे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए और काफ़ी सारे ग्रॉसरी भी हमने यहाँ पे इनॉगरल डिस्काउंट
में हमें मिल गया था, तो यहाँ से हमने शॉपिंग भी बहुत सारी कर ली है और बिलिंग भी जल्दी हो गई थी क्योंकि हम थोड़े से जल्दी चले गए थे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।